हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो आरआरबी टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स दिल्ली जा रहे हैं या गए हैं। तो बहुत सारे छात्र गए हुए हैं और वहाँ से मुझे कई सारे साथियों ने बताया कि आने से पहले क्या क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने कल भी आपको बतलाया था, तो आज फिर से कुछ उन्हीं चीज़ों को हम दोहराते हैं और कुछ चीज़ें जो कल मैं नहीं बता पाया था वो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ कि आपको दिल्ली जाने से पहले क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास आपकी अपनी आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इसके अलावा आपके डीवी या मेडिकल की जो एडमिट कार्ड रही है, जो बोर्ड के द्वारा निर्गत किया गया है, या फिर मेडिकल देने के बाद जो आपको मेडिकल पास का पुर्जा मिला है रिसीविंग, वो आप जरूर साथ रखें। बहुत सारे बोर्ड में रिसीविंग मेडिकल का नहीं मिला है, तो आप डीवी मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है आपका, वो साथ जरूर रखेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये आप याद रखिएगा, आईडी होना ज़रूरी है। याद रखिएगा कि दिल्ली में बारिश हर एक दो दिन पर बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो बारिश में आपको ठंड ना लगे, रात में आप सोएं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हम लोग जो टेक्नीशियंस के हमारे साथी हैं वो गुरुद्वारा में रुके हुए हैं, तो आपको ठंड ना लगे। ऐसे भी ठंड का मौसम भी धीरे धीरे आ गया है, छठ पूजा में तो अमूमन थोड़ा बहुत ठंड होता ही है। तो आप दो चादर प्रयास करें कि ले लें, दो सीट कपड़ा जरूर ले लें, ताकि वहाँ जाने के बाद पता चले कि आप एक सीट ही लेकर के आए, फिर धोने का व्यवस्था नहीं, नहाने का व्यवस्था नहीं, वगैरह वगैरह तकलीफें आपको हो सकती है। पैसा कुछ ज़रूर रख लें, सबसे आवश्यक चीज़ है। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब आप दिल्ली पहुँचें तो आनंद विहार अगर आप उतरते हैं तो आप लोग हम सभी को नई दिल्ली जाना होगा, और नई दिल्ली में अशोक रोड है, नई दिल्ली में अशोक रोड है, जहाँ की गुरुद्वारा श्री बांगला साहिब जी है, उसी गुरुद्वारे में हम सभी को ठहरना है। तो उस गुरुद्वारे में आप पहुँचें, और यदि आप 10 बजे दिन के बाद पहुँचते हैं तो आपको वेट करना है वहाँ, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी साथी निकल लेते हैं फील्ड में अलग अलग नेताओं से मिलने, अलग अलग जो भी काम है, जो भी टीम लीडर का निर्देश होता है। उसके बाद फिर शाम में वो 5-6 बजे के बाद मिलेंगे। तो आप 10 बजे दिन से 5-6 बजे के बीच अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आपको इंतज़ार करना है, फ़ोन नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, गुरुद्वारा श्री साहिब में पहुँचना है। और वहाँ पहुँच करके डायरी होती है, उस डायरी में आपका नाम, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और कितने बजे वगैरह वगैरह जो एंट्री आपको करवाया जाएगा वो आपको ज़रूर कर लेना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड या मेडिकल पास का रिसीविंग ये ज़रूर रखिएगा। पहुँचना कहाँ है, तो गुरुद्वारा श्री बांगला साहिब जी, और ये है कहाँ, नई दिल्ली अशोक रोड में, ठीक है। पिन कोड अगर आप देखना चाहें तो पिन कोड है 1100001, ये आपका पिन कोड है। वहाँ पहुँच करके गुरुद्वारा श्री बांगला साहिब में स्टे करना है, तो आपको लेना रूम से पहले क्या क्या, रूम से या घर से आप निकल रहे हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आईडी, डीवी मेडिकल का एडमिट कार्ड या मेडिकल पास रिसीविंग आपके पास होना चाहिए, ताकि टेक्नीशियंस के छात्र के नाम पर टेक्नीशियंस के छात्रों की भीड़ में कोई और लोग ना घुस जाए। इसके लिए आपको वहाँ जब आप रुकेंगे तो जो साथी आपको नहीं पहुँचानेंगे, आप नए होंगे, तो आपसे वो चेक किया जाएगा और गुरुद्वारा में भी आपको ये दिखाना पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल बातें हैं, और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि क्या क्लियर हो जाएगा, तो घर बैठने से तो क्लियर नहीं होगा। हमने बार बार कहा है आपसे कि घर में बैठे हैं या आप परेशान हो रहे हैं तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होना है। सॉल्यूशन इस बात में है कि अंतिम प्रयास मान करके, अपना अंतिम काम मान करके, अपनी ओर से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, सकारात्मक दिमाग से, सकारात्मक सोच के साथ दिल्ली पहुंचिए, और वहां क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या हो सकता है, इन सब तमाम संभावनाओं पर आप खुद विचार कर पाएंगे और आप खुद देख पाएंगे कि कितनी संभावनाएं हो जाएगी या नहीं होगी, किस बोर्ड का ने क्या कहा, किस बोर्ड के अधिकारी ने क्या कहा, किस जोनल रेलवे ने क्या कहा। अब इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हमारा मतलब सिर्फ एक है, और वो दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी हमारी आखिरी उम्मीद है। तो दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हर मेंबर तक लगभग हमारी बात पहुंच चुकी है। 20 तारीख की मीटिंग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर उपस्थित हुए तो ज़रूर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को इमोशंस के साथ और विनम्रता के साथ
हम अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो उसका ज़्यादा एक इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा। तो जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए, अगर नहीं निकले हैं तो ये तो मेरे घर से मेरी आखिरी वीडियो है वेटिंग लिस्ट के लिए। इसके बाद फाइनल होने के बाद ही हम आप लोगों के समक्ष फिर वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर हम फिलहाल आपसे दिल्ली में दिल्ली से वीडियो दे पाएंगे, और ये हो सकता है आखिरी वीडियो, या सुबह आपको जाते जाते एक और वीडियो हम दे सकते हैं। तो जल्दी निकलिए घर से, 18 तारीख तक हर हाल में हर लोग एक एक वेटिंग कैंडिडेट दिल्ली पहुंच जाइए, दिल्ली पहुंच जाइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा दिया था, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली, वही नारा हम आपके समक्ष फिर से दोहराएंगे, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। मिलते हैं दिल्ली में, आपसे मुलाकात होगी, उम्मीद है आप ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।